हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक और नई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मैं बनाने जा रही हूँ आज शिमला मिर्च मशरूम और मिक्स करके एक नई रेसिपी। आप लोग देखना और बताना कैसी लगी। अभी मैं वेजिटेबल सारी कट कर रही हूँ। ये मशरूम मैंने कट कर लिए हैं। जैसे फिर पानी गर्म करूँगी और उसमें थोड़ा सा डालूँगी नमक। जब पानी बॉईल हो जाएगा तब नमक डाल के इसको अच्छे से हिला के फिर इसमें डाल दूंगी मशरूम। मशरूम डाल दिए, पानी में उबाल आ गया है। अब मैं मशरूम डाल देती हूँ। मशरूम डाल के इसको हम हिलाएंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। छान लिए। अब मैं कट कर रही हूँ शिमला मिर्च। ये देखिए ऐसे पीसेस में आप लोग कट कर लेना अच्छे से। और फिर करेंगे प्याज कट। हम प्याज को भी हम चौरस कट करेंगे बड़े बड़े से, और जो इसके बीच का पोर्शन है वो फेंकना नहीं है। ये देखिए ऐसे हम अलग कर लेंगे सारे प्याज को कट करके। अच्छे से करना है, और इसका जो बचा हुआ है उसको हम बाद में मसाले में यूज़ करेंगे। सारे अलग कर लेने हैं ऐसे काट काट के, एक एक पीस अलग कट करके सारे। ये छोटा पीस निकाल लेना है, जो बड़े पीस हैं उनको रख लेंगे हम अलग कर लेंगे फिर अच्छे से। अब हम कट करेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम चौरस ही कट करेंगे। ये देख लीजिए आप लोग ऐसे ही कट कर लेना। ये देखो मेरी वेजिटेबल्स होगी कट। और ये तड़के का सामान अदरक लहसुन हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे प्याज, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके ये देखिए ग्राइंड हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में कोई भी हो तो। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ इसमें। उसके बाद में मैं टमाटर इसी में डालूंगी और ये भी ग्राइंड कर लूंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग ही दोनों चीज़ें ग्राइंड करना। अब मैं कढ़ाई गरम कर लेती हूँ। कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें डालूंगी तेल। और मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर सब्जियाँ बनाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना जब तक तेल गरम होता है। फिर इसमें डालूंगी मैं जीरा। ये देखिए जीरा हमारा कैसे तड़क गया है। इसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च। इनको अच्छे से भून लूंगी, को अच्छे से भून लेना इसको। फिर डालेंगे इसमें हम, इसको पहले अच्छे से भून लेते हैं। भूनने के बाद चलाते रहेंगे बीच बीच में इसको, ठीक है दोस्तों। चलाते रहना वरना ज़्यादा ये जल जाएगी। हाई फ्लेम पे ही इसको करना है हमने। ये देखिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद फिर डालेंगे इसमें प्याज। जब थोड़ा सा शिमला मिर्च भून जाएगा और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ऐसे ही भून, प्याज हमने डाल दिए, भून रहे हैं। इनको भी चलाते रहेंगे अच्छे से, और हाई फ्लेम पे ही भूनना है। चलाते रहना इसको लगातार, छोड़ना नहीं है। फिर टमाटर डाल देंगे, उनको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भून लेना है। ये देखो चलाते रहना बीच बीच में हाई फ्लेम पे है, क्योंकि अब डालेंगे मशरूम। मशरूम को भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए चलाते रहना होगा, मशरूम भी जब भून जाएगा देखिए निकाल लेंगे प्लेट में। उसी में फिर डालेंगे हम तेल। कढ़ाई हमारी गर्म है अभी, फिर गर्म हो गई है। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा चटक गया। इसके बाद डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है ब्राउन होने तक। चलाते रहना है इसको, अच्छे से चलाते रहना है पूरा इसमें। देखो अच्छे से ब्राउन करना है इसको हमने। और आप लोग बताना कैसी लगी है मेरी वीडियो न्यू। चलाते रहना है इसको अच्छे से। ये देखो इतना जल जाएगा ये मसाला हमारा। हिलाते रहना है बराबर, छोड़ना नहीं है। देखो थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हल्दी मिर्च गरम मसाला। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मैगी मसाला, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। मिला के फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भुनना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जब ये तेल छोड़ने लग जाएगा, फिर हम इसमें
बाकी का सामान ऐड करेंगे। तब तक इसको भून लेते हैं, अच्छे से चलाते रहना है पूरा। देख लो चलाते रहना बस अच्छे से इसको। नमक इसके मसाले के अकॉर्डिंग हम डालेंगे, फिर इसमें जो सब्जी हमने भून के रखी थी वो सारी डाल लेंगे। इसको अच्छे से फिर हम मिक्स करेंगे। सब्जियां तो ऑलरेडी पकी हुई हैं, बस थोड़ा सा मिक्स करना है, थोड़ी देर पकाना है, बस रेडी हमारी। ये देखो कितनी अच्छी बनी है, वाह। और इसको पराठे के साथ एंजॉय करें। थैंक यू।